हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलियस। मैं नामिका आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बैटल ऑफ हाइडेस पीस यानी वितस्ता के युद्ध की, जिस युद्ध ने मगध में सत्ता परिवर्तन का बीज बोया। हालांकि मगध के इस युद्ध में कहीं भी कोई भागीदारी नहीं थी। ये युद्ध होता है मकदूनिया के शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, और भारतीय शासक पुरु यानी पोरस के बीच में। ये वह समय था जब पश्चिमोत्तर भारत का ये संपूर्ण हिस्सा भीषण रूप से राजनैतिक अराजकताओं से गुजर रहा था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने इस काल में इस क्षेत्र में यानी पंजाब और सिंध के क्षेत्र में 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, और सिकंदर इन्हीं क्षेत्रों से होता हुआ पुष्कलावती, कपिशा, तक्षशिला, अस्पेशियन, गौरियन, अस्केनिया, बाजीरा और ओरा को जीतता हुआ झेलम और चिनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक पुरु यानी पोरस तक पहुंचता है, और झेलम के तट पर प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध होता है। वितस्ता के युद्ध की चर्चा करने से पहले एक नज़र डालते हैं सिकंदर के व्यक्तिगत जीवन पर। एक सैनिक के रूप में सिकंदर का जीवन जितना महत्वपूर्ण है, उसके व्यक्तित्व को जानने और समझने के लिए उसका व्यक्तिगत जीवन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में यूनान के मैसेडोनिया शहर, जिसे हम मकदूनिया नाम से जानते हैं, होता है। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया के राजा थे, और उसकी माँ ओलंपिया एपिरूस की राजकुमारी थी। सिकंदर की आयु के 13वें वर्ष में महान विचारक अरस्तु को उसका शिक्षक नियुक्त किया जाता है। एक योग्य राजकुमार की भांति सिकंदर तो समस्त युद्ध कलाओं में पारंगत था, किंतु सिकंदर में दया का अभाव था। 338 ईसा पूर्व में बैटल ऑफ चेरनोवा में सिकंदर आर्मी में सीनियर जनरल की पोस्ट पे था। इस युद्ध में ग्रीक की हार होती है, और इस युद्ध के बाद सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने ग्रीक की राजकुमारी क्लियोपेट्रा से शादी कर ली। यहाँ फिलिप के वैधानिक उत्तराधिकारी के प्रश्न पर पिता और पुत्र के मतभेद प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं। 336 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार यह हत्या सिकंदर के आदेश पर सत्याप्राप्ति के लिए होती है। इसके पश्चात फिलिप द्वितीय के सभी उत्तराधिकारियों की सिकंदर द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसकी सौतेली माँ क्लियोपेट्रा की पुत्री और सिकंदर की सौतेली बहन की हत्या उसकी माँ ओलंपिया द्वारा कर दी जाती है। साथ ही क्लियोपेट्रा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अब सिकंदर स्वतंत्र था, वह मकदूनिया की गद्दी पर शासक के रूप में बैठता है, और अपने विश्व विजय के स्वप्न को पूरा करने के लिए एशिया की तरफ कूच करता है। बसंत में सिकंदर ट्रॉय शहर को जीतता है। इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ता है, पतझड़ आने तक दक्षिणी समुद्र को पार करता हुआ सिकंदर एशिया माइनर से होता हुआ गोर्डियम में प्रवेश करता है, और वहाँ ये सर्दियों तक आराम करता है। इसके पश्चात अब सिकंदर एशिया की तरफ आगे बढ़ता है, और प्रसिद्ध आर्बेला के युद्ध में सिकंदर और दारा तृतीय अर्थात डेरियस तृतीय का युद्ध होता है। यहाँ भी सिकंदर की जीत होती है। अब सिकंदर बेबीलोन सूसा से होता हुआ हखमनी साम्राज्य की राजधानी पर्सिपोलिस तक पहुंचता है। यहाँ पर्सिपोलिस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है, और सिकंदर एक नए नगर अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरिकोशियंस की स्थापना करता है। अब सिकंदर अपने अगले लक्ष्य पूर्वी एशिया की तरफ बढ़ता है। ये एगबताना तुर्कमेनिस्तान होता हुआ काबुल पहुँचता है। काबुल पर जीत हासिल करने के बाद सिकंदर पंजाब और सिंध की तरफ पूछ न करके आश्चर्यजनक रूप से अपनी सेना को हिंदुकुश पर्वत की तरफ मोड़ देता है, और अब सिकंदर बैक्ट्रिया की तरफ आगे बढ़ता है। बैक्ट्रिया में जीत हासिल करने के बाद सिकंदर वहां के शासक को कैद कर लेता है, तथा राजकुमारी रोक्साना के साथ विवाह करता है, और एक नए नगर अलेक्जेंड्रिया ऑफ द पारोमिसाडे की स्थापना करता है। अब सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ खैबर दर्रे से आगे बढ़ता है, और वर्तमान के कोहे दमन कहलाने वाले क्षेत्र में
पहुंचता है। इस क्षेत्र में पहुंचकर ही सिकंदर भारतीय पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण करना प्रारंभ करता है, लेकिन उससे पूर्व सिकंदर अपनी सेना के दो भाग कर देता है, जिसमें पहले भाग को अपने सेनापतियों हिपेश्चर और पार्टिकस की अध्यक्षता में काबुल नदी के दक्षिणी सहारे से आगे बढ़ने का आदेश देता है और स्वयं एक योग्य सेनापति होने का परिचय देता हुआ दूसरे टुकड़े के साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ता है जहां उसे कठिन युद्धों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर दिशा की ओर कुनार व स्वात घाटियों पर आक्रमण करने सिकंदर आगे बढ़ता है। यहाँ सिकंदर का सामना जिन जनजातियों से होता है वे आस्पेशियन, गोरियन और अस्केनिया थीं। यहाँ सिकंदर को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, भीषण युद्ध होता है, अंत में आस्पेशियनों की हार होती है। इसके बाद सिकंदर अपने अगले लक्ष्य नीशा जनजाति की ओर बढ़ता है। आस्पेशियनों की भीषण हार से नीशा जनजाति ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। अब सिकंदरों ने आश्वायनों के राज्य कंबोज में प्रवेश किया। इनकी राजधानी मस्सक थी। यहाँ सिकंदर ने अत्यंत क्रूरता का परिचय देते हुए सभी पुरुषों को मरवा दिया। पुरुषों की मृत्यु के बाद स्त्रियों ने शस्त्र उठाए। सिकंदर ने सभी सशस्त्रों की हत्या का आदेश दिया। बच्चों को भाले की नोक पर टांगकर नगर में घुमाया गया। एक उल्लेख के अनुसार 230,000 पशुओं को मकदूनिया भेजा गया। मस्सक की रानी कृपा, जिसे यूनानी लेखकों ने क्लियोफिस कहा है, इन्हें बंदी बनाकर सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया। इनकी सुंदरता पर सिकंदर इतना मुग्ध हो गया कि उसने समस्त नगर वासियों की रक्षा के लिए रानी कृपा के सामने एक प्रस्ताव रखा और प्रजा की रक्षा के लिए मस्सक की रानी ने उस अनैतिक प्रस्ताव को स्वीकार किया। कुछ समय विश्राम करने के बाद सिकंदर मस्सक से आगे बढ़ता है। उससे पूर्व रानी कृपा की संतान को मस्सक का राजा घोषित करता और उसे अलेक्जेंडर नाम देता है। अब सिकंदर वाजिरा यानी विरकोट और ओरा यानी उदग्राम को जीतता हुआ पुष्कलावती पहुंचता है, जहां उसकी सेना की पहली टुकड़ी ने पहले ही अधिकार कर रखा है। सिकंदर ने पुष्कलावती व सिंधु क्षेत्र के सभी छोटे बड़े राज्यों को जीत लिया। एओलनस के दुर्ग में एक माह तक विश्राम किया और 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार की। सिंधु नदी पार करने के बाद सिकंदर तक्षशिला के शासक आम्भी के क्षेत्र में पहुंचता है। राजा आम्भी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पूर्व भी आम्भी ने निकैया में अपना दूत मंडल सिकंदर के पास भेजा था और उसे सहायता का वचन दिया था। किसी भारतीय शासक द्वारा विश्वासघात का लिखित इतिहास में यह पहला दृष्टांत था। सिकंदर ने तक्षशिला में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जहां निकटवर्ती छोटे बड़े सभी शासकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यहीं सिकंदर ने झेलम और चिनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक पुरु के पास भी आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा, जिसे पुरु ने यह कह के अस्वीकार कर दिया कि वह यूनानी विजेता के दर्शन रण क्षेत्र में ही करेगा। अतः अब युद्ध अवश्यंभावी था। फलतः पोरस और सिकंदर दोनों की सेनाएं झेलम नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर डट गईं, क्योंकि यह बरसात का समय था और झेलम नदी में बाढ़ आ चुकी थी। अतः दोनों पक्षों को अभी उचित समय की प्रतीक्षा करनी थी। परंतु यहाँ सिकंदर द्वारा छल किया जाता है। एक बार जब भीषण वर्षा हो रही थी, सिकंदर द्वारा सेना को झेलम नदी में उतार दिया जाता है। सिकंदर के इस कृत्य से भारतीय पक्ष स्तब्ध रह गया। अब झेलम नदी के पूर्वी तट पर पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध होता है। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर के पास एक बड़ी सेना थी। एरियन लिखता है कि सिकंदर की सेना में 4,000 अश्व, 300 रथ, 200 हाथी और 30,000 पैदल थे। वहीं पोरस ने अपने पुत्र के नेतृत्व में मात्र 2,000 सैनिक भेजे, जो यूनानी सैनिकों के आगे नहीं टिक सके। अब और पुरु का पुत्र मारा गया। अब पुरु अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध में था, किंतु अपनी जीत की सभी आशंक छीण होती देख पोरस ने अपना हाथी युद्ध क्षेत्र से मोड़ लिया। यहाँ सिकंदर आम्भी को पोरस के पास आत्मसमर्पण का संदेश लेकर भेजता है। आम्भी को सामने देख पोरस क्रुद्ध हो जाता है और आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। साथ ही पोरस ने आम्भी पर भाले से प्रहार किया। सौभाग्य से आम्भी बच जाता है। आम्भी के वापस लौटने के बाद सिकंदर ने अपना एक दूत मंडल पोरस के पास भेजा, जिसने
पुनः आत्मसमर्पण का प्रस्ताव दिया। इस बार पोरस द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और स्वयं को यूनानी सैनिकों के हवाले कर दिया गया। घायल पोरस को सिकंदर के समक्ष लाया गया। सिकंदर के शिविर में पोरस और सिकंदर के बीच जो संवाद होता है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि वितस्ता के युद्ध की विजय के बाद पोरस ने क्या किया, सॉरी सिकंदर द्वारा कहां कहां हमले किए गए। इसके बाद सिकंदर चिनाब नदी के तट पर स्थित ग्लोचुकायन राज्य को जीतता है, फिर चिनाब पार करता हुआ गांधरिस राज्य को जीतते हुए रावी नदी पार कर आद्रिक जनजाति की राजधानी पिम्प्रमा को जीतता है, फिर कथाई यानी कठ जनजाति के क्षेत्र में पहुंचता है। इनकी राजधानी का नाम संगल था। कठ जनजाति द्वारा भीषण प्रतिरोध किया जाता है, परंतु यहाँ सिकंदर की जीत होती है। संगल नगर ध्वस्त कर दिया जाता है और कठों की सामूहिक हत्या कर दी गई। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार कठ जनजाति द्वारा प्रतिरोध के बाद 17,000 लोग मारे जाते हैं और साथ ही 70,000 लोग बंदी बना लिए जाते हैं। इसके बाद सिकंदर व्यास नदी के तट पर आता है। आश्चर्यजनक रूप से सिकंदर की विजेता सेना द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया जाता है। सिकंदर के तमाम प्रलोभन प्रयास व्यर्थ रह जाते हैं। अंततः सिकंदर को अपनी सेना को वापस लौटने का प्रस्ताव देना होता है। चलिए अब चर्चा करते हैं सिकंदर के शिविर में पोरस और सिकंदर के बीच में क्या चर्चा हुई। इतिहासकार कहते हैं कि जब पोरस को सिकंदर के समक्ष लाया गया था, पोरस के शरीर पर 9 घाव थे। सिकंदर ने पोरस की वीरता की प्रशंसा की और पोरस से ये कहा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, और इसके जवाब में पुरु ने गर्व से उत्तर दिया जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, जिसका परिणाम यह हुआ कि सिकंदर द्वारा पोरस को उसका क्षेत्र लौटा दिया गया। अब विचारणीय विषय ये है कि हमने अभी तक सिकंदर के जिस व्यक्तित्व को देखा उसमें उसने पुरु के अतिरिक्त कहीं भी किंचित मात्र भी दया नहीं दिखाई। अपने सौतेले भाइयों और बहनों की हत्या करने वाला, अपने मित्र, अपने पिता के मित्र की मामूली बात पे हत्या करने वाला, यहाँ तक कि अपने गुरु के भतीजे की हत्या कर देने वाला एक क्रूर शासक जिसने मस्तक में शिशुओं तक के साथ क्रूरता की, कठों की सामूहिक हत्या की, उसने एकमात्र पोरस के प्रति दया कैसे दिखा दी। इसकी एक संभावना यह भी है कि सिकंदर का सामना भारत के कई ऐसे क्षेत्र में नहीं हुआ या भारत के महत्वपूर्ण शासकों से नहीं हुआ, तो संभव है कि उन शासकों के सामना होने और उसकी संभावना से पूर्व ही उसकी सेना द्वारा विद्रोह कर दिया गया हो। इतिहास सदैव विजेता के पक्ष से लिखा जाता है। विजेता की गाथा को हम सुनाते हैं, लेकिन इतिहास का एक बड़ा अनकहा हिस्सा पराजितों की हार में भी छिपा होता है। संभव है कि इस विश्व विजेता शासक की महिमा मंडन करते हुए उसके यूनानी इतिहासकारों ने कुछ और कथानक लिखा हो। चूंकि उस समय भारत में इतिहासकारों द्वारा इतिहास लिखने का प्रचलन अभी नहीं था, तो हो सकता है कि इस युद्ध के परिणाम कुछ और हों और हमें कुछ और दिखाए गए हों। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। हम इस इतिहास और सिकंदर को महान बताने के चक्कर में हमेशा ग्रीक और चीनी इतिहासकारों की उपेक्षा क्यों करते हैं? चीनी और ग्रीक इतिहासकारों ने कभी भी सिकंदर को महान नहीं कहा है। सिकंदर को महान कहने वाले हम पश्चिमी इतिहासकारों पर तो आँख मूंद कर विश्वास करते हैं, लेकिन ग्रीक और चीनी इतिहासकारों की पूरी तरीके से उपेक्षा कर देते हैं। क्यों? क्यों हम एक क्रूर आताताई सेना नायक को महान मानते हैं? सिकंदर जैसे क्रूर सेना नायक को महान कहना ये उचित है या इतिहास पे एक हास्यास्पद विषय हो जाता है? एक बार विचार जरूर कीजिएगा। वितस्ता के युद्ध के ही समानांतर एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम मगध में भी चल रहा था।
और यही घटनाक्रम मगध में सत्ता परिवर्तन का कारण बना। इस घटनाक्रम की हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में, जो है मौर्य साम्राज्य का उदय। हम उसका एक परिचय देखेंगे, तो आप हमारे अगले वीडियो तक जरूर जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।